नमस्कार, सोना न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। इंस्टा और टेलीग्राम से जुड़े हैं आतंक के तार। झारखंड में आईएसआई का ऐसा हो रहा है विस्तार, एनआईए चार्जशीट में खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआई ने झारखंड में संगठन के विस्तार और युवकों को विचारधारा से जोड़ने के लिए टेलीग्राम व इंस्टाग्राम का सहारा लिया है। दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स पर समूह बनाकर संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है। एनआईए ने झारखंड मॉड्यूल केस में सोमवार को दायर चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है। एनआईए ने इस मामले में लोहरदगा से गिरफ्तार फैजान अंसारी उर्फ फैज और रतलाम से गिरफ्तार उमर उर्फ राहुल सैन पर चार्जशीट दायर की है। फैज को 20 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया है। उसके सहयोगी उमर बहादुर उर्फ राहुल सैन को सितंबर 2023 में पकड़ा गया है। चार्जशीट में दोनों आईएसआई संदिग्धों को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। मामले में आगे की जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के प्रावधानों के अनुसार जारी है। एनआईए के आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए संगठन के सदस्य 19 वर्षीय आरोपी फैजान अंसारी उर्फ फैज को उसके झारखंड लोहरदगा मित्तल कॉलोनी स्थित घर से पकड़ा था। वह एएमयू का छात्र है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने यह बात स्वीकारी है कि 2 वर्ष तक एएमयू में पढ़ाई करने के दौरान यह इस संगठन के संपर्क में आया है। 2 माह पहले जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे पूछताछ के आधार पर 17 जुलाई की रात टीम उसके अलीगढ़ स्थित किराए के मकान पर तलाशी लेने गई, जहां पर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके बाद वह कई दिन तक एनआईए की रिमांड पर रहा और फिर उसे जेल भेज दिया गया है। झारखंड मॉड्यूल केस की चार्जशीट में क्या है? एनआईए ने दाखिल की गई चार्जशीट बताया है कि सोशल मीडिया साइट्स पर समूह बनाकर आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करते हैं, युवाओं को जोड़कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए फैज एक्टिव था। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आईएसआईएस की विचारधारा प्रचारित करने की प्रतिबंध व्यक्तियों का नेटवर्क बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हैंडलर्स के बारे में मिली जानकारी। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया है कि जांच में अंतर्राष्ट्रीय लिंक और विदेशी धरती से सक्रिय आईएसआईएस हैंडलर्स की संलिप्तता की जानकारी मिली है। यह बात सामने आई है कि भारत के भीतर आईएसआईएस के चरमपंथी और हिंसक विचारधारा को प्रचारित करने के लिए प्रतिबंध व्यक्तियों का एक जटिल नेटवर्क भी बनाया गया था। इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल था इसकी भी जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। एनआईए ने 19 जुलाई 2023 को फैजान अंसारी और अन्य के खिलाफ झारखंड आईएसआईएस मॉड्यूल केस में प्रकरण दर्ज किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।